इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ ऑर्गेनाइजर द्वारा नेशनल सेमिनार का आयोजन धनबाद के रेलवे क्लब में किया गया, जिसमें कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही इस एसोसिएशन को मजबूत बनाने के लिए चुनाव भी कराया गया, जिसमें धनबाद डिवीजन के SN झा को चुना गया। इस कार्यक्रम में पूरे हिंदुस्तान से चेकिंग स्टाफ शामिल हुए। धनबाद रेल डिवीजन को 55वां डिवीजन के रूप में गठन कर दिया गया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि TT को स्टाफ रनिंग में शामिल किया जाए और हमारी हिफाजत के लिए सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए। कार्यक्रम है और हमारा 55वां डिवीजन है कि थर्ड डिवीजन, क्योंकि जैसा कि समय आ गया है कि हमें यूनिटी में ही रहना होगा, इसलिए हमारा इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग एसोसिएशन का नेशनल बॉडी हर क्षेत्र में हर डिवीजन में जा रहा है और सबको इकट्ठा करके कोशिश कर रहा है कि हम डिविजनल बॉडीज को बनाएं, जोनल बॉडीज को बनाएं और हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको यूनाइट होकर अपने अधिकारियों के समक्ष रख सकें। इसीलिए ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, डिविजनल बॉडी फॉर्मेशन होने जा रहा है। धनबाद डिवीजन के सारे पदाधिकारियों का भी नाम अनाउंस होगा थोड़ी देर में, जो कि धनबाद डिवीजन धनबाद मंडल को रिप्रेजेंट करेंगे DRM साहब और GM साहब। क्या रूपरेखा होगा इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग एसोसिएशन का? ऐसा है कि जैसा कि मीडिया में और लोगों की नज़र में एक चीज बना हुआ है कि TT की गलत छवि बनी हुई है, जो कि सरासर गलत है। हम रेल के राजदूत हैं, रेलवे का चेहरा है, हम लोग अपनी तरफ से जितनी भी हो सके उतनी कोशिश करते हैं कि रेल की छवि बनी रहे, गंतव्य पे लोगों को पहुंचा दिया जाए। एक बूढ़ा आदमी, बच्चा, एक लेडीज को जब कोई भी स्टेशन में छोड़ने आता है तो वो एक ही चीज बोलता है कि TT बाबू जरा हमारे माता पिताजी का ध्यान दीजिए। स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन एक जगह इकट्ठा होकर के अपनी छोटी छोटी डिमांडों के लिए, जो आज कल डेली हम लोग को रूबरू होता है समस्याओं से, इसके लिए एकत्रित हुए हैं। क्या कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य है कि हम लोगों पर जो प्रत्येक दिन कुछ प्रताड़नाएं होती रहती है, उसके अगेंस्ट में हम लोग एक सुचारू ढंग से अपना प्रशासन तक आवाज दें, जनता को भी काउंसलिंग करें कि भाई इसमें हमारा ही दोष नहीं है, कुछ अलग अलग संख्या जैसे पानी बिजली सब की समस्या है, उसमें हर डिपार्टमेंट अलग अलग बटा हुआ है, वो उसी समस्याओं को मतलब लोगों को याद कराएं कि आपकी जो समस्याएं हैं तो हमारा ही एक नहीं है, इसमें अलग अलग है, आप अपनी समस्याएं नया आजकल मास मीडिया का सोशल मीडिया का जो चला है इसके साथ सर, सरकार से क्या डिमांड थी? सरकार से है कि हम लोगों का जो है आजकल कल्चर रनिंग व्यवस्था है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वहाँ खाने पीने की अच्छी व्यवस्थाएं नहीं है, क्वालिटी जो है अच्छा नहीं दिया जा रहा है, अनहाइजीनिक फूड मिलता है, सब भी समय समय पर जांच होता है, पानी की सही ढंग नहीं है। धनबाद से अली की रिपोर्ट।